ब्लॉग को यही पेंट करते हैं, आई होप आपको ब्लॉग पसंद है। नहीं नहीं करते हैं, क्यों अभी कुछ वार्तालाप बातचीत होगी। बोलो बोलो बताओ बताओ, शर्मा मत होती है, हमें बताओ चुपचाप, हमें बताइए आपको। हेलो हाय नमस्कार फैला गुड मॉर्निंग, तो दगड़ियो कैसे हैं आप सभी लोग, एक बार फिर से स्वागत है आपका सूरज रावत उत्तराखंडी ब्लॉग में। दगड़ियो आशा करता हूँ आप सभी लोग भी अच्छे होंगे, हम भी मस्त है। तो दगड़ियो काफ़ी टाइम से ब्लॉग नहीं आ रहा था क्योंकि टाइम नहीं मिल पा रहा था, बहुत ज़्यादा काम हो रहा था। तो यार दगड़ियो मैंने सोचा कि आप थोड़ा थोड़ा करके एक दो दिन छोड़ के कंटिन्यू ब्लॉग बनाया जाए, क्योंकि यूट्यूब में भी बहुत टाइम हो गया वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, टाइम भी नहीं पा रहा था। तो मैंने सोचा कि यार वीडियो की स्टार्टिंग कर ही लेते फिर, तो सोचा आज से स्टार्ट कर लेते हैं। तो अब आकाश भाई गर्मा गर्म चाय पी रहे हैं, और उधर भाई हरकेश भाई, और ये है हमारे हरकेश भाई, देखो कैसे दही लेके आ रहा है सुबह सुबह। क्या बिरयानी बनाने का सोचा है क्या आज? कुछ बोलो यार हमारे दर्शकों को, काफी लंबे टाइम के बाद ब्लॉग बना रहा हूँ भाई। भाई साहब मैं तो यही कहूँगा, लाइक करो, शेयर करो, फॉलो करो भाई को, सपोर्ट। ओ ये हमारे शेफ, हेलो बोल दो भाई मेरे। हेलो गाइस। तो आपको ले चलते हैं सीधे चंदा के पास। चंदा हमारे क्या कर रहे हैं, बहुत दिन हो गए चंदा ब्लॉग में नहीं आ रहे हैं। चंदा भी बोल रहे होंगे मेरे को लेके आ जाता है। हेलो हमारे चंदा कैसे हैं? तो गाइस हमारे चंदा जो है आटा स्पेशल है, ये आटा लगाते हैं, 5-6 प्रकार के आटा लगाते हैं। ये कितना आटा लगाते हैं? हम लगाते हैं 6 प्रकार के आटे, 6 प्रकार के आटा लगाते हैं चंदा हमारे। और देखो अभी आटा लगा रखा है उन्होंने, कौन वाला आटा लगा रहे हो? ये है पीता डो। अच्छा ये पीता डो लगा रहे हैं, उसके बाद गार्लिक डो, पता नहीं क्या क्या डो लगाते हैं, और चिली लाल, एक मटर डो, 2-3-4 आटा लगा दिए उन्होंने। और बाकी हमारे चंदा बहुत खुश नज़र आ रहे हैं, हाथ सही है, आज हाथ सही है। और कुछ कहना चाहोगे हमारे दोस्तों? बस आज बहुत दिनों बाद हम लाइव आ रहे हैं, तो टाइम नहीं होने के कारण पार्टियों पर पार्टियां चलती है, इसलिए टाइम नहीं हो पा रहा है, अब हम लगातार लाइव आएंगे। तो यार दगड़ियों बहुत ज़्यादा काम हो रहा था, उसकी वजह से ब्लॉग नहीं बन पा रहा था, अब देखते हैं कंटिन्यू कितना टाइम मिलता है, उसके बाद ब्लॉग आएगा। चलो थोड़ा हम भी काम कर लेते हैं, तब तक के लिए बाय। फाइनली गाइस हमारे सब्सक्राइबर मिल गए हमको, हमारा सब्सक्राइबर, ओए सब्सक्राइबर, ये देखो हमारा सब्सक्राइबर एक ये है, और एक सब्सक्राइबर ये है। हेलो बोलो भाई। हेलो गाइस। तो ये अभी काम कर रहा है, अभी आउटलेट की पैकिंग जा रही है हमारी साकेत। तो आप किसी देखने आए? क्या कर रहा है? देखेंगे यार दगड़ियो, अभी थोड़ा काम कर लेते हैं, फिर काम हो रहा है, काम की वजह से ब्लॉग नहीं बना पा रहा था, ब्लॉग नहीं आ रहा था, टाइम नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि पार्टी बहुत ज़्यादा थी। अब देखेंगे एक दो दिन छोड़ के जो भी टाइम मिलेगा ब्लॉग जरूर आएगा। चलो बनाए रहना हमारे वीडियो के साथ। गाइस 2 सब्सक्राइबर और आ गए हमारे ड्यूटी, देखो ये देखो हमारे रवि शेफ और मनीष भाई, ज़बरदस्त एंट्री होगी इनके अभी सुबह सुबह, बेकरी वाले शेफ। किसी को बेकरी में अगर केक ऑर्डर करना तो रवि शेफ से संपर्क करें, बोलो ना यार, संभव करेगा नहीं करेगा? हाँ बिल्कुल यार, ठीक है फिर। और बताइए कैसे चल रहा है? बस काम चल रहा। तो यार गाइस हमारा सुबह का बज गया, अभी 8 बज गया सुबह के, आधा काम हमारा निपट गया है, और हमारे चंदा हमारे पीछे खुरपी लेकर तैयार है। वो खुरपी से क्या कर रहे हो? हम इससे गलौटी बनाएंगे। गलौटी बनाओगे, डोसा बनाओगे? एक दो दिन से तबीयत भी खराब हो रही है, जुकाम लग रहा है एकदम, तो मौसम चेंज हो गया, कल परसों तक इतनी धूप आ रही थी, गर्मी लग रही थी, कल कोहरा लग गया, पता नहीं क्या सीन है भाई। तो गाइस अब गर्मियाँ स्टार्ट हो गई है, अब इसके बाद है पार्टी का खाना, इसके बाद है हमारा भसड़ का काम है, इसके बाद टाइम नहीं मिलेगा, तो उसके बाद टाइम बस अभी इसमें आज पार्टी कल भी पार्टी, तो अगले महीने से थोड़ा कम हो जाएगा काम, क्योंकि इस महीने सीजन है ना, तो थोड़ा काम करना ही पड़ेगा सीजन के टाइम पे। अब घर से यहाँ पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, पेट के लिए तो करना ही पड़ेगा, गांव से यहाँ आ रखे हैं झोला उठा के, तो कुछ करना पड़ेगा ना, यहाँ से गांव चले जाएंगे तो यहाँ से खाली झोला गांव ले जा नहीं सकते ना, भर के ले जाएंगे, झोला भर के ले जाना पड़ेगा, समझ रहे हो? तो यार गाइस अब थोड़ा काम बाकी जो रह गया उसको निपटाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप सभी लोगों से। हमारा शादी का संदूक, और ये देखो हमारा शादी का संदूक है, ये बक्सा है चंदा का, अम्मा का बक्सा है ये चंदा तुम्हारा अम्मा का है, ये हमारा देखो ये गांव से लड़का, देखो ये बक्सा है इसमें। तो गाइस मजाक से हटके चलो थोड़ा काम निपटा लेते हैं, कोई फिर 2-4 बातें सुनाएगा तो अच्छा लगता है, तब तक के लिए बाय। तो अभी देखने को मिलेगा आप सभी लोगों को धमाकेदार डांस रोहित और अभिषेक का, चलो दिखाते हैं। तो गाइस अभी दिन के बज गए 1:30, और बलदेव भाई हमारे देखो क्या चौक करे, बलदेव भाई तुम तो?
धनिया चॉप करा रहे हो, कितना फाइन धनिया चॉप करा रहे थे ये। और कैलाश भाई दाल मखनी स्पेशल। हेलो गाइस, कैसे हो? तो यार गाइस, आप सबको रोहित और अभिषेक का डांस कैसा लगा? डांस अच्छा लगा तो कमेंट करें, प्यारे प्यारे से कमेंट करें। तो यार गाइस, हमारे चंदा आप लोगों को अपने विपत्ति कालीन आपात क्या क्या बता रहे हैं, तुम बताओ तो जरा। गाइस मैं अभी नहीं बता सकता प्लीज, पर इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। तो यार गाइस, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आपको ब्लॉग पसंद आया। नहीं, अभी एंड नहीं करते हैं। क्यों? अभी कुछ वार्तालाप बातचीत होगी। बोलो बोलो, बताओ बताओ, शर्माओ मत, हमें बताओ, चुपचाप हमें बताइए, आपको बाहर विदेश जाके कैसा महसूस कर रहे हैं? बस विदेश जाके तो अच्छा लगा भाई, मेरा मन कर रहा वहीं चले जाओ मैं आप। तो यार दगड़ियों, आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अब हमारे पास टाइम भी नहीं है इतना, अभी काम बहुत ज़्यादा है, तो भसड़ मचने वाली ऊपर पार्टी है, पार्टी का मिज्जा है, तो उसके लिए काम करना है। तो यार आई होप आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग पसंद आएगा तो एक लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने भाई को सपोर्ट करना और ऐसे ही चंदों को भी सपोर्ट करना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग पे, तब तक के लिए जय उत्तराखंड, जय देव भूमि, जय उत्तराखंड।